हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों के अंदर अनीमिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और क्या उसके ट्रीटमेंट होते हैं। ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, बड़े टाइम से मुझे इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल गेट अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अनीमिया क्या होता है और क्यों होता है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर 80% से ज़्यादा जो है ब्लड होता है, हमारी बॉडी 80% से ज़्यादा ब्लड से कंप्राइज होती है। तो ब्लड जो है हमारा, इसके अंदर RBC होते हैं। RBC क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। RBC के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि रेड कलर का होता है। और वो हीमोग्लोबिन ही हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो करके पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो RBC यानी कि हमारा जो खून है, वो मेनली हमारी सारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम करता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हमारी RBC के अंदर, हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर, या अगर उसका फंक्शन नहीं हो रहा है, अगर RBC खराब हो गई है, या बॉडी को किसी भी तरीके से RBC में नुकसान पहुंच रहा है, उस चीज़ को अनीमिया कहा जाता है। अब क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, तो अगर RBC को नुकसान होगा तो बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर ऑक्सीजन जो है सप्लाई नहीं हो पाएगी। और अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो उसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं किसी के भी अंदर आ सकती हैं, अगर किसी को या किसी बच्चे को अनीमिया हो गया है तो। तो अनीमिया क्या होता है? अगर हमारे RBC के अंदर या हीमोग्लोबिन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज़ को हम अनीमिया कहते हैं। ब्लड की कमी हो जाना, जिसको हम नॉर्मली खून की कमी होना भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनीमिया कितने टाइप का होता है। अनीमिया 4 टाइप का होता है मेनली। सबसे पहले आता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, बहुत ही कॉमन है, जो खाने में आयरन की कमी की वजह से होता है। सेकेंड होता है हमारे पास हेरिडिटी अनीमिया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, हेरिडिटी यानी कि अगर हमारे पीछे से फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो हमें ये चांस होने के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर बच्चे के पीछे से, यानी कि किसी इन-लॉज़ के, आपके इन-लॉज़ के यहाँ पे, दादा दादी के, या बच्चे के नाना नानी के घर में किसी को ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो बहुत चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम बच्चे को भी हो सकती है। इसके भी फर्दर 4 टाइप होते हैं, जल्दी जल्दी उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होता है इसके अंदर हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस, यानी कि RBC की जो है शेप उसके अंदर बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से RBC बहुत जल्दी जल्दी टूटने फूटने लगती है और अपना काम नहीं कर पाती है। नंबर 2 पे होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया यानी कि जिस रेट पे हमारी बॉडी के अंदर RBC बन रहे हैं, RBC को कौन बनाता है? हमारा बोन मैरो। तो जिस स्पीड से RBC बन रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा स्पीड पे RBC डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी बन भी रहे हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो बॉडी के किसी भी पार्ट को ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो ये बहुत ही सीवियर केस होता है। तीसरा आता है G6PD डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी RBC को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, जिसको हम ग्लूकोज 6-फॉस्फोट डीहाइड्रोजिनेस कहते हैं। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारी RBC को टॉक्सिन्स वगैरह के थ्रू या इन्फेक्शंस की से प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा करके रखता है। तो ये वाला जो एंजाइम होता है, ये बनना बंद हो जाता है या ये डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी RBC प्रोटेक्टेड नहीं रहती है और डैमेज होनी शुरू हो जाती है। नंबर 4 पे आता है सिकल सेल डिसीज। सिकल यानी कि एक दराती जो होती है, उसको सिकल कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो RBC होती है वो सिकल की शेप की हो जाती है, बहुत डेलिकेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा टूटने फूटने लगती है और अपना काम नहीं दिखा पाती है। तो ये है हेरिडिटी वाला अनीमिया, यानी कि हेरिडिटी हिमोलिटिक अनीमिया। नंबर 3 पे आता है ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, यानी कि हमारी बॉडी हमारे RBC को एक
थ्रेट यानी कि एक डेंजर समझने लग जाती है और उसकी वजह से उसको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमारी बॉडी खुद की आरबीसी को ही एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये आता है थर्ड पार्ट, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया। नंबर फोर पे होता है एप्लास्टिक अनीमिया। नंबर फोर पे आता है एप्लास्टिक अनीमिया, यानी कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे आरबीसी कौन बनाता है, हमारे बोन मैरो यानी कि हमारे स्टेम सेल्स भी जिन्हें हम कहते हैं, तो अगर वो स्टेम सेल्स हमारे या बोन मैरो में कोई इन्फेक्शन हो जाए या वो स्टेम सेल या बोन मैरो हमारा डिस्टर्ब हो जाए, डिसरप्ट हो जाए इन्फेक्शन की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो हमारे आरबीसी ही बनना बंद हो जाएंगे। ऑब्वियसली ना, जो बोन मैरो आरबीसी बना रहा है, अगर उसका सोर्स ही डैमेज हो जाता है तो आगे आरबीसी भी बनना बंद हो जाते हैं। ये किस केस में आते हैं? बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम जैसे कि कैंसर वगैरह में। तो ये होता है एक एप्लास्टिक अनीमिया। अभी हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ अनीमिया, यानी कि अनीमिया के मेन क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर वन पे आता है लैक ऑफ डाइट्री आयरन, यानी कि खाने के अंदर आयरन वाले पदार्थ कम होना, बच्चे को आयरन कम मात्रा में दिया जाना या बच्चे के अंदर आयरन कम मात्रा में जाना। आयरन के जो भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां हो गई या वट एवर जो भी आयरन के सब्सटेंस है, अगर वो कम मात्रा में बच्चे के अंदर जा रहे हैं तो बच्चे को अनीमिया हो सकता है। नंबर टू पे आयरन माल एब्जॉर्प्शन, यानी कि आयरन तो बच्चे के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में जा रहा है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। नंबर थ्री पे है लेड पॉइजनिंग। लेड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो अगर बच्चा किसी भी तरीके से इंजेक्शन कर ले, खा ले, एडमिनिस्टर कर ले, तो वो जाके हमारे आरबीसी को ब्रेक करता है और बच्चे के अंदर अनीमिया हो सकता है। नंबर फोर पे आता है मेंस्ट्रुएशन। जो प्यूबर्टी में गर्ल्स होती हैं या जो टीन्स में, उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड जो है निकल जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर आरबीसी की कमी आ जाती है। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जैसे कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो भी बच्चे को अनीमिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्या क्या साइन होते हैं अनीमिया के। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे एक साइन बताइए अनीमिया का, तो आपका सबसे पहला आंसर होगा कि बच्चे के अंदर पेलनेस आ जाती है। पेलनेस यानी कि बच्चे की स्किन जो है पीली पीली सी दिखने लग जाती है, बिल्कुल वाइट सा एकदम बच्चा हो जाता है, जो एक रेडनेस होती है ना वो गायब हो जाती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। या तो बच्चे के अंदर रेडिशनेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है या फिर बच्चा पेल दिखने लग जाता है। सेकंड होता है कि बच्चा, कई बार हमें ऐसे लगता है कि बच्चे को जॉन्डिस हो गया है, तो जॉन्डिस जैसे अगर सिम्टम आते हैं, जॉन्डिस यानी पीलिया। नंबर थ्री पे आता है फटीग, बच्चा बहुत ज़्यादा थका थका रहने लगता है। नंबर फोर पे आता है इरिटेबल, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग जाता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी जो है कॉन्टीन्यूटी में हो रही है, तो थकान होना, इरिटेबल होना। और नंबर फाइव पे है पूरी पूरी रात बच्चा सो नहीं पाता है क्योंकि अनीमिया बहुत हाई लेवल तक भी पहुंच जाता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बच्चे अपना जो ध्यान जो होता है वो पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में लगा नहीं पाते हैं, कॉन्सनट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। अनीमिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है। तो ये 5-6 सिम्टम हैं वो आपको अनीमिया में ज़रूर ध्यान रखने हैं। अभी हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट अनीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में, कि अनीमिया का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबसे पहले होता है फ्रेंड्स, तो ट्रीटमेंट के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले है आयरन सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो अगर बच्चे को आयरन की कमी हो गई है तो हम उसको आयरन के सप्लीमेंट से पूरी कर सकते हैं। बचपन में छोटे बच्चों को, जो बिल्कुल इन्फेंट होते हैं, उनको आयरन के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। अगर थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं उनको सिरप दिए जाते हैं, और अगर और बड़े बच्चे हैं जैसे टीनेज हैं तो उनको कैप्सूल्स वगैरह भी दिए जाते हैं। और आयरन रिच फूड भी एक इसका अच्छा ऑप्शन है। अगर बच्चे को आयरन की कमी है तो आयरन रिच फूड भी खिलाए जा सकती हैं। नंबर टू पे है हार्मोन सप्लीमेंट। जो टीनेज गर्ल्स होती हैं, अगर उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन की वजह से ब्लड की ज़्यादा लॉस हो चुका है तो डॉक्टर उनको हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड लॉस जो है बैलेंस हो जाता है और इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो हार्मोन सप्लीमेंट भी टीनेज गर्ल्स को दिए जाते हैं।
उसके बाद नंबर थ्री पे आता है मेडिकेशन। अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे बोन मैरो के अंदर आ गई है या कुछ इंटरनल इन्फेक्शन की वजह से अनीमिया हो गया है या हमारे आरबीसी में कोई डिस्ट्रक्शन आ रही है तो उसके लिए भी डॉक्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उनका ट्रीटमेंट किया जा सके और अनीमिया को ट्रीट किया जा सके। नंबर फोर पे हमारा आता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया। अगर बच्चे के स्टेम सेल्स या बोन मैरो डिसरप्ट हो चुकी है, यानी कि जो ब्लड बनाने का सोर्स है अगर वो ही डिसरप्ट हो चुका है, तो उसको स्टेम सेल जो है बाहर से प्रोवाइड किए जाते हैं, एक हेल्दी डोनर के स्टेम सेल प्रोवाइड किए जाते हैं जो फर्दर जा करके आरबीसी बनाना शुरू कर देते हैं। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी अनीमिया का एक ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अब ये सब तो थे ऐसे ट्रीटमेंट जो कि हाई लेवल में दिए जाते हैं, जैसे कि मेडिकेशन हो गया या फिर हार्मोनल सप्लीमेंट्स हो गए या फिर ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो गया। अभी हम बात करते हैं कि क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर आयरन फोर्टिफाइड मील्स, यानी कि अगर बच्चा इन्फेंट है या छोटा है तो उसको पहले ही आयरन फोर्टिफाइड मील्स खिलाएं, यानी कि ऐसी मील जिनके ऊपर प्रॉपर लिखा हो कि इस मील के अंदर ऑलरेडी आयरन है, यानी कि आयरन फोर्टिफाइड है, उससे बच्चे को अनफ आयरन मिल जाता है। तो आयरन फोर्टिफाइड मील बच्चे को ज़रूर खिलाएं। सेकंड है रिड्यूस काउ मिल्क। जब भी बच्चा 12 महीने से छोटा होता है, लाइक 12 महीने से छोटे बच्चे को काउ का मिल्क बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसका एक रीज़न ये भी होता है कि जैसे जैसे बच्चे का टेस्ट डेवलप होता है, बच्चा खाने की चीज़ों को मना करके दूध पे ज़्यादा प्रेफर करता है। तो स्पेशली तब जबकि आयरन वाला मील अगर बच्चे को दिया जाए तो बच्चा आयरन वाला मील लेना प्रेफर नहीं करेगा, मिल्क लेना प्रेफर करेगा। तो ऐसे केस में काउ का मिल्क भी जो है बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए ताकि बच्चा आयरन वाली फीड खाना शुरू करे और उसके अंदर आयरन की कमी पूरी हो। नंबर थ्री आता है वेल बैलेंस डाइट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने बच्चे को सिर्फ आयरन वाली ही चीज़ें ना खिलाएं, बल्कि सारे न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखें। लाइक जैसे कि आपको एक प्रॉपर एक हेल्थ के अंदर रखना है, उनके अंदर न्यूट्रिशियस फूड सब कुछ देना है, जैसे कि फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल, मीट अगर आप चिकन खाते हैं, नट्स और होल ग्रेन्स। ये पांच चीज़ें जो हैं आपको अपने बच्चे की डाइट में हर टाइम इंक्लूड करनी है। अगर आप अपने बच्चे की शुरू से ही ऐसी एक डाइट बना के रखते हैं तो आपके बच्चे के अंदर कभी भी अनीमिया या आयरन की कमी नहीं हो पाएगी। लास्टली, ये एक ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंशन नहीं है, ये मेरा खुद का सजेशन है। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो डॉक्टर उनको यूजली आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं या आयरन के टॉनिक्स देते हैं, तो आपको वो अपने बच्चे को ज़रूर देने हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे के ना टीथ जो हैं ब्लैक होने लगते हैं, वो डेफिनेटली आयरन के प्रेजेंस से होते हैं। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को आयरन देना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो बच्चे को आयरन ज़रूर ज़रूर दे, थोड़े टाइम के लिए दे लेकिन आयरन ज़रूर दे। उससे क्या होगा कि अगर बच्चे के अंदर अनीमिया होने का चांस भी होगा ना, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हैं इम्पॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट जो कि आपको अनीमिया के लिए अपने बच्चे में ध्यान रखने हैं। अगर आपको आयरन के टॉप फूड चाहिए जिनके अंदर आयरन होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसकी भी जल्दी से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। टिल देन, दिस इज़ प्रियंका साइनिंग ऑफ। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।